को पालने के लिए एक बिच्छू अपने पूरे के पूरे बच्चों को अपना शरीर खिला देती है। मैं समझता हूँ कि उस त्याग की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की नींव उसी से पड़ी है। मैं जब आया था पार्टी में तो दीवारों पे लिखा एक शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया और मैं बताता हूँ कि मैंने 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अब शायद मेरी ये पहली पार्टी और अंतिम पार्टी यही होगी। लिख लीजिए, अब की बार 80 पार। ना कोई डमी कैंडिडेट की आवश्यकता है, ना कोई डमी कैंडिडेट की गुंजाइश है। 100% टिकट मेरिट पे मिलेगी। कहीं ना कहीं इसे रोकने की आवश्यकता है, बहाना बनाता है। जो कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में आने के लिए कोई बहाना बनाता है, जो कार्यकर्ता जिला कार्यालय में जाने के लिए बहाना बनाता है, जो कार्यकर्ता देवेंद्र जी के आदेश को मानने के लिए बहाना बनाता है, वो कार्यकर्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसका फैसला उस कार्यकर्ता को खुद को करना है कि जब भी वो आईने के सामने जाएगा तो उसे ये याद करना है कि ये कमल का चिन्ह है और ये पार्टी को हम लोग दर्जा देते हैं, देश को प्रथम दर्जा देते हैं, पार्टी को दूसरा दर्जा। सत्ता का जो उपयोग है वो सेवा करने के लिए किया जाना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजनीति में नेता व्यापारी बन जाता है तो जनता बेचारी बन जाती है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर में एक बार फिर से गोल्डन ईस्ट और कनकिया मंडल ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन संदीप तिवारी जी के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग दिखे और आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में रवि व्यास ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता पर भी निशाना साधते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। आइए जानते हैं इस पूरे प्रोग्राम में क्या कहा गया है और क्या बातें उन्होंने मंच के माध्यम से कही। आज भारतीय जनता पार्टी गोल्डन ईस्ट मंडल और कनकिया मंडल का कार्यकर्ता मिला हुआ था और इसका आयोजन जो है हमारे यहाँ के दोनों मंडल के संयोजक विजय सिंह जी, विजय राय जी और ख़ास करके जो हमारे हाल ही के अंदर जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों से जिनका पक्ष प्रवेश हुआ, ऐसे हमारे युवा साथी, युवा नेता, हमारे मित्र संदीप जी तिवारी, और इन्होंने पक्ष प्रवेश किया था तो इनके मार्गदर्शन में, इनकी पूरी टीम के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने जो इस परिसर में रहते हैं उन सभी ने भारी संख्या में उत्साह के साथ में इस मेलावा के अंदर भाग लिया और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद का रिकॉर्ड तोड़ के अब की बार 80 पार करेगी, ऐसा संकल्प लिया। देखिए, शक्ति तो युवाओं की शक्ति है ही, कार्यकर्ताओं की शक्ति है ही, और जब कार्यक्रम होता है तो प्रदर्शन अपने आप हो जाता है। हालांकि ये तो एक दो मंडल का कार्यक्रम था तो शक्ति प्रदर्शन तो आने वाले समय के अंदर जब हमारे आदरणीय देवेंद्र जी आएंगे तब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मीरामेंद्र शहर की क्या शक्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मानता है, कमल के फूल को मानता है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के जो सर्वोच्च नेता है, जो नेतृत्व करते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे चंद्रकांत दादा है, उनके आदेश के अनुसार जो मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी की इकाई काम कर रही है तो सभी कार्यकर्ता उस इकाई के साथ में है। जो इकाई के साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो है या नहीं है उसके बारे में उन्हें खुद को सोचना चाहिए। देखिए, मेरे करनी और कतनी में फ़र्क नहीं होगा, मैंने ये कहा और जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी टिकट का वितरण नहीं करती है। 100% मेरिट के ऊपर टिकट दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग प्रेम करता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम के अंदर अपना आशीर्वाद जीता है। भाई उत्साह के साथ में सभी लोग यहाँ पे आए थे और ख़ास करके मातृशक्ति जो हमारी बहनें हैं वो आज संडे होने के बावजूद, परिवार को समय देने के बावजूद भी उन्हें देना होता है, फिर भी वो पार्टी के प्रति जो उनका प्रेम है वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया और सभी ने संदीप जी की इस कार्यक्रम के अंदर, हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर
आशीर्वाद दी और उत्साह के साथ में भाग लिया। देखिए, बात गुटों की नहीं है, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में है, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से दुविधा में है, कुछ कंफ्यूज में है, उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन उसका कंफ्यूजन जल्दी दूर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, चुनाव तो आज हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, मीरा महेंद्र शहर के अंदर कोई भी पार्टी के साथ में, आप चिंता मत कीजिए। आज भी अगर चुनाव होगा तो भी हम 80 बार है, तो चुनाव तो हमारे लिए कभी टेंशन था ही नहीं। देखिए, चाहे वो रवि व्यास हो, चाहे वो नरेंद्र मेहता हो, चाहे वो कोई अन्य कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे पार्टी के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसे पार्टी के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। मैं सबसे पहले यहाँ के जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ और वो यहाँ पे आए, उनका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला भारी संख्या में। कनकिया और गोल्डन नेस्ट मंडल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था बहुत ही सराहनीय रहा और सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। बीजेपी में हमारा पूरा परिवार बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं, हमारे चाचा भदोही विधानसभा से विधायक हैं श्री रविनाथ त्रिपाठी जी, और वहाँ के माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अनुज त्रिपाठी जी मेरे चाचा जी हैं। यहाँ पे मैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय श्री आदरणीय एडवोकेट रवि व्यास जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं उनसे मिला और उनसे मिल के मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। उत्तर भारती मेरे भाई हैं, और उत्तर ही भारती नहीं, सारे भारत माता के पूत सभी मेरे भाई हैं और सभी मेरी बहनें हैं, सभी मेरी माताएं हैं, सभी मेरे पिता हैं, तो जैसे ही उनका जो भी आदेश होगा मैं वो काम करूंगा उनके लिए। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मेहता ने अपने मंच के माध्यम से कहा था कि जो भी टिकट बांटे जाएंगे नगर सेवकों के वो मेरिट के आधार पर बांटे जाएंगे, उसी बात को दोहराते हुए आज रवि व्यास ने भी क्लियर कर दिया है कि जितने भी टिकट बांटे जाएंगे वो मेरिट के आधार पर बांटे जाएंगे, ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आधार पर कोई भी टिकट नहीं बांटा जाएगा। और उसी के साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन।